टाइम। देखो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे बहुत सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, सीनियर्स लोगों को, प्रोफेशनल्स को, उनको जो सम्मान दिया जा रहा है वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की तरफ से, मैं उसमें शरीक होने आया हूँ। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, वैसे तो इस समय, इस घड़ी में, इस सभागार में वो सूट नहीं करेगा, लेकिन मैं इस पर ऑलरेडी बहुत कह चुका हूँ, मेरे ट्वीट देख रहे होंगे आप, मैंने कल भी कहा था, मैंने पहले भी कहा है कि जुगाड़ की राजनीति सही नहीं है, धन शक्ति का जन शक्ति के ऊपर भी गलत है, ये धन शक्ति का इस तरह से होना दिखना और उसके बाद इस तरह से जुगाड़ और जोड़ तोड़ के करते हुए। और मैंने ये भी कहा है कि जो गोवा और मणिपुर और मेघालय या अब बिहार के लिए जो सही नहीं है, वो अचानक रातों रात कर्नाटका के लिए सही कैसे हो सकता है उनके दृष्टिकोण से? या तो यहाँ भी वही बात होती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो यहाँ भी रहे हैं लोग, तो ये मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी। अभी आज जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ से कल के लिए कहा गया, टाइम दिया गया, हाँ वो कल 4 बजे शाम के करीब है, वो अच्छी खबर है, बढ़िया है, और हम सब बहुत ही आदर के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन होता हुआ देखना चाह रहे हैं। इसलिए उस वक्त आप इस घड़ी से लेकर उस घड़ी तक, जब तक वो कल फ्लोर टेस्ट है या स्ट्रेंथ टेस्ट है, तब तक और विशेष कुटी का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रात में बैठक की, वो भी एक अच्छा संकेत था, लेकिन उसमें वो नतीजा नहीं निकला जो लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आज नतीजा निकला है और कहा गया कि 15 दिन का क्यों, चलो सांच को आँच किया, ईमानदारी और पारदर्शिता दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है, अलग अलग नहीं। आज पारदर्शिता के साथ उन्होंने कहा है, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ फैसला किया है कि कल ये होगा, और कल होगा हम समझते हैं, जो कल होगा वो वही होगा, देश की अपेक्षा जो है वो उसके ही अनुरूप होगा और इंसाफ होगा कल, और तब और जो भी होगा देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सर, आरजेडी और लार्जेस्ट पार्टी जो है राज्यपाल, राज्यपाल से मिले थे, विधायक का प्रस्ताव रखा है, मैंने कहा ना कि वो तो मुझे, मैंने तो पहले ही कहा है कि भाई व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल टू, जो पीटर के लिए सही है वो पॉल के लिए भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे अचानक आपके पास मेजोरिटी, हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, और हमारे पास मेजोरिटी नहीं है 104 सीट पे, और हम मैजिक फिगर तक पहुँच नहीं सकते, कहाँ से पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे सिवाय जुगाड़ के, तोड़ फोड़ के? तो ये दुनिया देख रही है, अच्छा संदेश नहीं जाता है। ये कुछ लोग जो कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो कुछ हद तक सही कहेंगे। तो बीजेपी को क्या करना चाहिए इस बार, क्या बीजेपी जो जुगाड़ का जो कुछ लोग, मैं पूरी पार्टी का हावी है बीजेपी, विपक्ष हावी है, तो कई बार विपक्ष का हावी होना लाजमी भी होता है, कई बार आज देश भी, आप लोग मीडिया सब साथ दे रहे हैं, हालांकि यही मीडिया हमें अनफॉर्चुनेटली बीच में बहुत दबी हुई थी, बहुत कुंठित थी कई कारणों से, और आप नहीं थे, कम से कम हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो ऊपर बैठे हैं वो लोग काफी करते, उनके ऊपर भी दबाव था, लेकिन आज देख रहा हूँ मीडिया जो है, आप लोग जो है जबरदस्त साथ दे रहे हैं, और साथ दे रहे हैं इंसाफ का, न्याय का, न्याय प्रणाली का। हम तो कह ही रहे हैं कि अगर 104 थे तो 104 में अचानक रातों रात हम 112-114 कहाँ से कर लेते, और तो कोई तरीका नहीं था, एक ही तरीका था, धन वृष्टि या फिर तोड़ फोड़ या फिर सही मायने में कोई जुगाड़। अब इसको सही दिशा दिया है आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, जिसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेज का हम बहुत आभारी हैं। हमारे लॉयर जो हैं, अपना मनु अभिषेक सिंघवी या राम जेठमलानी जी, आदरणीय शांति भूषण जी भी पहुंचे थे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के हित के लिए आज पहुंचे थे, तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है वो। अब हम लोग सब उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कल 4 बजे जो होगा नतीजा आएगा वो वही होगा जो इंसाफ होगा, जो देश के लिए सही होगा और लोकतंत्र की शान बढ़ाएगा। इन सबसे एक अलग सवाल सर, अक्सर ये चर्चा हो रही है, देखो हमारा मानना यह है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ देश हित में कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि पार्टी हित में भी कर रहा हूँ, लोगों के हित में ही कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा था कि नोटबंदी बहुत गड़बड़ हुई है, तो हमने नोटबंदी गड़बड़ हुई है तो मैं अपने नहीं कह रहा था, मैंने कहा कि GST बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोग परेशान है, त्राहिमाम स्थिति में आ गए हैं, इसके नोटबंदी के लोगों के व्यापार बंद हो गए, ठेले वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, लोग की नौकरियां खत्म हो गई, फैक्ट्री छोटे छोटे बंद हो गए,
کہ میں نے کہاں غلط کہا تھا, اور میں نے اگر صحیح کہا ہے یا تو یہ ہو کہ میں اپنے لیے کوئی لائسنس مانگ رہا ہوں یا میں نے اپنے لیے کوئی فیکٹری مانگی, وہ تو کرتا نہیں ہوں میں کبھی. میری چھوی پہ تو آپ لوگ کے آشیرواد سے آج تک کوئی داغ نہیں ہے, تو میں تو اسے کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. تو میں جب جنہت میں بات کر رہا ہوں جنتا کے, اور ایک بات تو خوش بھی ہونا چاہیے لوگوں کو کہ ہے تو ان کی پارٹی میں کوئی ایسا آدمی جو سچ کو بول کے سامنے آتا ہے, سچ کے لیے لڑائی لڑتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, اس کی جو تعریف ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں کئی لوگ اس کو بولتے ہیں بغاوت کر رہا ہوں, خلافت کر رہا ہوں. میں کہہ چکا ہوں کوئی خلافت نہیں, کوئی بغاوت نہیں, لیکن ہاں اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں.